दोस्तों देख सकते हो आप लोग यहाँ कितना एंजॉय कर रहे हैं लिब्रा वाटरफॉल में। तो दोस्तों देख सकते हो आप उनको, वो देखिए बेचारा डर रहा था वो गया। इस व्लॉग में आपको पता चलेगा कि लिब्रा वाटरफॉल कैसे जाना है, अंबिकापुर से कितने किलोमीटर की दूरी पर लिब्रा वाटरफॉल है। दोस्तों लिब्रा वाटरफॉल आप बाइक और कार दोनों से जा सकते हैं। अंबिकापुर सरगुजा से महज 17 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। खूबसूरती का जादू बिखेर रही है, आप लोग एक बार जरूर जाएं। और ये लिब्रा वाटरफॉल अंबिकापुर से मैनपाट वाले रोड, जो कि घुनघुट्टा डैम भी आप सभी को जानकारी होगी, उससे कुछ दूर आगे नहर के पास लेफ्ट साइड मुड़ना है और मेन रोड से लगभग 1 किलोमीटर अंदर ये वाटरफॉल अपनी खूबसूरती का जादू बिखेर रही है। अधिकांश पर्यटक नज़दीकी जिले, शहर, स्टेट, मैनपाट विजिट करने आते हैं, तो आपसे हाईली रिकमेंडेड है कि आप लिब्रा वाटरफॉल को अपने चेकलिस्ट में ज़रूर ऐड कीजिए। प्रकृति की गोद में बिखरा हुआ कुदरत का एक बहुत ही नायाब तोहफा है, जो कि छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध टूरिज्म और पिकनिक स्पॉट के रूप में अभी छत्तीसगढ़ में ट्रेंडिंग में है। और हमारे सरगुजा संभाग में तो बहुत ज़्यादा इतना ट्रेंडिंग में है कि यहाँ पर डे 1000 से ज़्यादा लोग आ रहे हैं। आप इस वाटरफॉल में आकर के घंटों वाटरफॉल का मजा ले सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री है। पिछले कुछ सालों से ये पिकनिक स्पॉट अपनी खूबसूरती और मनमोहक दृश्य के लिए पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में अपनी जादू बिखेरा हुआ है, जिसकी वजह से देश भर के पर्यटक यहाँ आने से अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। इसका दृश्य आपके मन को मोह लेगा और आपको यहाँ आकर अपनी सारी चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। ये जो दृश्य है आपको निश्चय ही स्वर्ग का आभास कराएगा। लिब्रा वाटरफॉल पर्यटकों के लिए एक बहुत ही आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ आने के बाद आप यकीन मानिए यहाँ बार बार आना चाहेंगे। यदि आप घूमने के साथ पिकनिक मनाने के लिए सुंदर स्थान खोज रहे हैं तो ये जगह आपके लिए बेस्ट। तो सरगुजा वासियों के लिए लिब्रा वाटरफॉल एक वरदान है। हाल ही में इसकी प्रसिद्धि बहुत तेज़ी से हुई है, जिसे देखने के लिए बहुत दूर दूर से और नज़दीकी जिलों से, नज़दीकी राज्य से लोग आने लगे हैं। एक बार आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। जब आप यहाँ आएंगे ना तो आपको ये नहीं लगेगा कि हम किसी वाटरफॉल में हैं, आपको ये लगेगा कि हम पूल पार्टी कर रहे हैं। सीरियसली जो पर्यटक थे, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, वो लोग डीजे वगैरह लेकर के आए थे और इतने लोग थे ना दोस्तों, यहाँ पे लगभग 1000 से ऊपर लोग थे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये लिब्रा वाटरफॉल में कितनी ज़्यादा भीड़ है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग आए हुए हैं। देखिए फोर व्हीलर पूरा ऐसा लग रहा है, मेरा लग रखा है लिब्रा वाटरफॉल आने के लिए। आओ वापस बाहर। वाटरफॉल के नज़दीक नहाने का आनंद ले सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार होता है। आगे आप वीडियो में देखेंगे। वाटरफॉल के पास गहराई लगभग 5 फीट है। बच्चों को वाटरफॉल से दूर रखना चाहिए क्योंकि जो बहाव है पानी का वो बहुत ही तेज जाता है। और यहाँ पे बिल्कुल अकेले मत जाइएगा क्योंकि काई भी लगी हुई है, जिससे फिसलाहट होती है, कई लोग वहाँ पे गिर भी रहे थे। आप अपनी सावधानी का बिल्कुल ख्याल रखिएगा, रिस्क बिल्कुल भी आप लोग मत लीजिएगा। सो फाइनली हम लोग लिब्रा वाटरफॉल पहुँच चुके थे, लेकिन यहाँ आने के बाद हमें ये कन्फ्यूज़न हो रहा था कि फॉल तक कैसे पहुँचे। थोड़ा ही दूर आगे चलने के बाद हमें रास्ता पता चला और ये रास्ता थोड़ा सा ख़तरनाक है। बच्चों को प्लीज़ आप लोग संभाल करके लेके जाइएगा क्योंकि पानी को पार करके जाना पड़ता है। एक वही रास्ता है जिससे आप नीचे जा सकते हैं और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि बच्चों का ध्यान रखें क्योंकि बहुत ही ज़्यादा काई जमी होती है, जिससे फिसलाहट होती है और बहुत ज़ोर से चोट लगती है। कई लोग हमारे सामने वहाँ पे गिर चुके थे। और यहाँ पे चूँकि अभी ये वाटरफॉल नया नया है तो यहाँ पे अभी प्रशासन का कोई भी साधन नहीं दिया गया है, जिस वजह से जो भी है आप अपने रिस्क पे ही जाएंगे। है तो ये बहुत ही खूबसूरत लेकिन जोखिम भरा भी है, तो थोड़ा सा अपनी सेफ्टी का ख्याल रखिएगा इस वाटरफॉल पे जाते हुए। बाकी बहुत ही खूबसूरत सा वाटरफॉल है ये। दोस्तों जब भी आप इस वाटरफॉल पे जाएं तो अपने साथ खाने का कुछ सामान ज़रूर लेके जाइएगा क्योंकि
इस वाटरफॉल में मस्ती करते हुए कब 3 से 4 घंटे बीत जाते हैं बिल्कुल पता ही नहीं चलता है, और बहुत ही जोरों की भूख लगती है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि वहाँ पे कुछ भी खाने को आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा, तो आप लोग अपने साथ अपना साधन लेके जाइए, खाने पीने का व्यवस्था लेके जाइएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, तो इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखिएगा। सो गाइस, देख सकते हो लोगों की खुशियों का ठिकाना तो बिल्कुल भी नहीं है। ये देखो अभी हम लोग नीचे जाने वाले हैं, पता नहीं नीचे किधर से जाएंगे, रास्ता देखने गए हैं, बाकी यहाँ मैं जाना ज़रूर चाहूँगी पास में। ओ देखो, तो दोस्तों देख सकते हो आप लोग यहाँ कितना एंजॉय कर रहे हैं लिब्रा वाटरफॉल में, बहुत ही खूबसूरत सा वाटरफॉल है ये। यहाँ जरूर आइए और देखिए कितनी जारी भीड़ लगी हुई है, यहाँ से वहाँ तक पूरा भरा पड़ा है लोगों से, जहाँ तक भी आप नज़र दौड़ाओगे लोग ऊपर से आ रहे हैं। आप लोगों को अगर आना है तो वहाँ से ऐसे घूम करके वहाँ एक इस वाटरफॉल के जस्ट ऊपर से पार होकर के इधर आना है। दोस्तों अभी हम लोग वहाँ थे लिब्रा वाटरफॉल के पास, और अभी हम लोग इधर जा, तो दोस्तों आपको मैं ये बता रही हूँ कि लिब्रा वाटरफॉल सिर्फ वाटरफॉल नहीं है, यहाँ पे देख सकते हो कि कितना ज़्यादा भीड़ है ना भाई, सबसे ज़्यादा भीड़ है दीदी। हाँ, और देख सकते हैं ये केवल वैसे वाटरफॉल नहीं लग रहा, पूल पार्टी हो रही टाइप्स, देखो ना आप लोग ओरिजिनल नेचर के बीच में पूल पार्टी हो रही है लोगों की, बकायदा नहीं डीजे वगैरह लगा हुआ है। वो जो चिड़िया लोग बैठे रहते हैं ना किसी आइलैंड पे, वैसे ही दिख रही है बच्चे मुझे यहाँ पे। आई होप दोस्तों कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो भी लिब्रा वाटरफॉल आना चाहते हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइएगा, ये बहुत ही इंफॉर्मेशनल वीडियो होगी उनके लिए, और वो बहुत ही आसानी से इस व्लॉग के माध्यम से लिब्रा वाटरफॉल पहुँच जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।